नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में मधेपुरा सीट की। मधेपुरा संसदीय क्षेत्र की सबसे जो प्रमुख बात है वो ये है कि अब तक इस क्षेत्र से सिर्फ यादव उम्मीदवार ही चुनाव जीतते आए हैं। मधेपुरा लोकसभा यादव बहुल क्षेत्र है। यहाँ विधानसभा की 6 सीटें हैं। मधेपुरा जिले का सोनवर्षा, आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा, तो सहरसा जिले का सहरसा और महिषी विधानसभा क्षेत्र आता है। पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के पप्पू यादव ने जेडीयू के शरद यादव को 50,000 मतों के अंतर से पराजित किया था। तीसरे नंबर पर बीजेपी के विजय सिंह कुशवाहा रहे थे। हालांकि 2019 की स्थिति बिल्कुल अलग है। आरजेडी की टिकट से पप्पू यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। पिछले बार वो आरजेडी के टिकट से लड़े थे, इस बार वो अपने खुद की पार्टी से लड़ रहे हैं। जबकि दूसरे नंबर पर रहे शरद यादव ने भी जेडीयू से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई है। बीपी मंडल से लेकर शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, पप्पू यादव ने बारी बारी से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। साल 2014 में मधेपुरा लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में राजद के उम्मीदवार पप्पू यादव ने जीत हासिल की थी। पप्पू यादव ने जेडीयू के शरद यादव और बीजेपी के विजय कुमार सिंह को हराया था। हालांकि इससे पहले मधेपुरा लोकसभा सीट पर जदयू का कब्जा था, जिसे 2014 में आरजेडी ने अपने नाम कर लिया। बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट पर 2014 के आम चुनाव के दौरान कुल मतदाताओं की संख्या 17,25,693 है, वहीं जिसमें आरजेडी के पप्पू यादव को 3,68,937 वोट मिले, वहीं शरद यादव को 3,12,728 वोट मिले और भाजपा के विजय कुमार सिंह को 2,52,534 वोट मिले थे। शरद यादव ने मधेपुरा को अपनी सियासी कर्मभूमि के रूप में चुना। 1991 और 1996 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर यहाँ से जीत कर शरद यादव लोकसभा पहुँचे। 1998 में राजद प्रमुख लालू यादव ने यहाँ से चुनाव जीते। 1999 में फिर शरद यादव जदयू के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते। 2004 में फिर लालू प्रसाद यादव ने इस सीट को जीतने में कामयाब रहे। लालू यादव ने इस चुनाव में छपरा और मधेपुरा दो सीटों से लोकसभा का चुनाव जीता। हालांकि मधेपुरा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद फिर उपचुनाव हुए। इस बार राजद के टिकट पर पप्पू यादव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2009 में यहां से जदयू के शरद यादव फिर जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 2014 में यहां से पप्पू यादव चुनाव जीत के बाद उन्होंने राजद से नाता तोड़ लिया और अपनी अलग पार्टी बना ली। इस बार यहां मुकाबले को तीनकोणीय बनाने वाले तीनों प्रत्याशी एक ही जाति के हैं। वहीं अगर बात करें तो इस बार जेडीयू के उम्मीदवार दिनेश यादव नीतीश सरकार में मंत्री हैं और महागठबंधन से शरद यादव हैं। वहीं पप्पू यादव अपनी पार्टी के साथ ही चुनावी मैदान में हैं और बाकी लोगों के बीच भी मुकाबला है। अब देखना है कि 2019 में कौन फिर से यहाँ से विजयी होता है और संसद पहुँचता है। तीनों प्रत्याशियों के बीच तीनकोणीय मुकाबला बना हुआ है और ये भविष्य तय करेगा कि भविष्य के गर्व से कौन जीतता है फिर चुनाव। 2019 का सांसद कौन बनता है मधेपुरा लोकसभा सीट से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ लाइक कीजिए और साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।